मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूँ आप लोगों का पाठशाला क्लासेस में। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरा संसार COVID-19 जैसे खतरनाक वायरस से जूझ रहा है। ऐसे समय में काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में। तो इसी मुश्किल को देखते हुए, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए पाठशाला क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है फ्री ऑनलाइन क्लासेस। तो बिना समय वेस्ट करते हुए हम आपको क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, जो है मोशन। इस चैप्टर के बीच में अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या यहाँ पर हमारे नंबर लिखे हुए हैं, आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, कि सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वो है रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट जो होता है वो क्या होता है और मोशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया सबसे पहले रेस्ट की। तो जो रेस्ट की डेफिनेशन लिखी है वो यहाँ पे लिखी है, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेस्ट। ठीक, तो क्या मीनिंग हो गया देखिए इसका, इसका मीनिंग हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करता, किसके साथ, टाइम के साथ, तो हम बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस पर है, रेस्ट पर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको यहां बताता हूं कि एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल क्या हुआ उसका। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या है एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है। ठीक, मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, और यहां कोई दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, ये, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया। ठीक है, अब वहां देखिए डेफिनेशन में क्या बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ साथ। ठीक, अब इस मार्कर को जाना तो ए से बी पर है, लेकिन ये तो किस पे है, अभी रेस्ट पर, ये तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं भाई, है ना, ये अभी अपनी जगह से जब हिल ही नहीं रहा है, और टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो क्या हुआ, टाइम के साथ साथ इस मार्कर ने अपनी अपनी जो पोजीशन है उसको क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रेस्ट पर है। तो देखिए रेस्ट की जो डेफिनेशन का मीनिंग हो गया वो यही हो गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो हम बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर चलने वाला है, मोशन, कि जो मोशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मोशन की भी डेफिनेशन लिखी है कि मोशन जो है वो क्या होता है। तो मोशन की डेफिनेशन में लिखा है, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, क्या मतलब हुआ देखिए इसका, इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज कर देता है समय के साथ, टाइम के साथ, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसमें भी क्या आते जाएंगे, चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं उस बॉडी को कि ये क्या कर रही है, मोशन कर रही है। यही एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं मैं आपको कि एग्जांपल किस तरीके से है। ठीक, देखिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अभी ये जो मार्कर है ये कहां पर है, पॉइंट ए पर है। ठीक है, अब इसको बी पर जाना है, तो इसने क्या किया, धीरे 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 करके ये क्या हुआ, बी के पास तक पहुंच गया। ठीक है, यहां पर आ गया बी पर। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर कि ए पॉइंट पे था, अब जैसे जैसे टाइम चल रहा है तो टाइम के साथ साथ ये क्या होता जा रहा है, आगे की तरफ भी खिसकता हुआ जा रहा है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इस मार्कर की पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो जब टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, तो हम बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आया होगा इतना आपको कि क्या होता है मोशन। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मोशन की डेफिनेशन पढूं तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जिसका मीनिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो हो गया हमारे पास क्या, चेंज इन पोजीशन। ठीक, दूसरा हो गया रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक, और एक हो गया यहाँ पे हमारा टाइम। ठीक है, अब देखिए दो चीजें तो आपको यहां पर समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, दो चीजें क्या, एक तो चेंज इन पोजीशन,
जैसे जैसे ये मार्कर आगे बढ़ रहा है इसकी पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। एक ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे आपको टाइम कि जब ये आगे बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ते जा रहा है और इसकी पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो छूट गई हमारी, वो क्या छूट गई, रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका क्या मतलब हो गया रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग का, ठीक है, ये भी मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ, ठीक है। और यही इसी एग्जाम्पल से जो मैं समझाने जा रहा हूँ इसी से आपका एक टॉपिक और निकल कर आएगा, वो भी देखेंगे कि वो टॉपिक क्या है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल को, क्योंकि जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, तो अब ध्यान से समझिएगा, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल को कि क्या बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल में, ठीक है। वहीं से एक टॉपिक और निकालेंगे हम लोग और वहीं से इस रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग का मीनिंग भी जानेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल को, ठीक है। मान लीजिए यहां पर क्या है, एक गाड़ी, ठीक है, कोई भी ट्रेन मान लेते हैं कि यहां पर ये एक हमारी ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन है हमारी, ठीक है। इस ट्रेन के ऊपर क्या है, दो आदमी खड़े हुए, एक यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दो आदमी खड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक आदमी जो है वो हमारा यहां खड़ा हुआ है कहीं, ये ठीक, एक ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर दो आदमी खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहां पर बाहर एक आदमी और खड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से बिल्कुल एकदम, कि क्या हुआ, ये जो ट्रेन है ना इसने आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, जो ट्रेन है उसने आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये जो बाहर आदमी बैठा हुआ है, जो बाहर आदमी बैठा हुआ है उसने इस जो ये वाला मैंने इसको देखा, ठीक है। अब देखिए साथ साथ क्या भी हो रहा है, ट्रेन भी जो है ना ये आगे की तरफ चल रही है। अब अगर ये जो बाहर आदमी बैठा है ये इस मैन को देखेगा, इनका नाम दे देता हूं मैं, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो ये जो आदमी जो बाहर बैठा हुआ है अगर ये सेकंड वाले मैन को देखेगा और साथ में ट्रेन भी चल रही है तो इसको क्या दिखेगा, कि ये क्या हो रहा है, जो ट्रेन है ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही है और ये भी इसको देखता जा रहा है। तो ये क्या होगा, एक टाइम पे इसको यहां देखा, फिर जब ट्रेन आगे की तरफ बढ़ गई, जब ट्रेन यहां पे आ गई तो ये जो आदमी होगा इसको क्या दिखेगा, यहां पे दिखेगा, है ना। तो इस वाले मैन के लिए जो ये वाला मैन है सेकंड वाला, ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, कि अगर ये वाला आदमी जब ट्रेन चल रही है वो इसे आज देखेगा सेकंड वाले मैन को, तो उसे ऐसा फील होगा कि ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। इतना ये पहली चीज समझ में आई आपको, ठीक। अब देखिए ट्रेन चल रही है, ठीक है, अब मैं इस वाले मैन की बात कर रहा हूं, ये वाले मैन की, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, ठीक है, इस वाले आदमी ने, जो ये फर्स्ट वाला आदमी है, इसने क्या हुआ, इस सेकंड वाले आदमी को देखा, ठीक है। तो अब इसको देखिए क्या दिखाई देगा, है ना, इसको ऐसा फील होगा कि ये वाला आदमी तो अपनी पोजीशन से हिल ही नहीं रहा है, ये तो जहां खड़ा था वहीं पर खड़ा है ना। तो इसके लिए जो फर्स्ट वाला मैन है, इसके लिए जो ये सेकंड वाला मैन है, ये रेस्ट पर लगेगा इसको कि ये अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा है ना। तो ये इसको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। लेकिन अगर यही इसी आदमी को, ये जो बाहर वाला आदमी ये देखेगा तो ऐसा लगेगा कि वो किस पे कर रहा है, मोशन में, ठीक है। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आई कि किसी भी मोशन को देखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए जहां से बैठ के हम लोग क्या करें, मोशन को देखें, ठीक है। और यही फिक्स पॉइंट जहां से बैठ के हम लोग मोशन को देखते हैं, ठीक है, यही फिक्स पॉइंट जहां से बैठ के हम लोग मोशन को देखते हैं उसे ही बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये जो रेफरेंस पॉइंट या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसी का ही दूसरा मीनिंग है हमारा क्या, रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो यहां से मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको कि क्या होता है रेफरेंस पॉइंट या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और मोशन की डेफिनेशन भी समझ में आ गई है।
अब हम आगे जो अगला टॉपिक है वो देखते हैं। यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें यहाँ पर क्या है, दो ही टाइप। तो ये रही देखिए आपकी यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर पहले लिख दिया यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। तो देखिए क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन, पढ़ते हैं। अ बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, हिंदी में जानते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए उन्होंने बोला है कि अ बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब होगी या तब कहलाएगी अगर वो ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, हर एक फिक्स्ड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, अब एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं आपको और अच्छी तरह से कि क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखिएगा इसका कि क्या होता है। मान लीजिए ये कोई एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो मार्कर है मेरे पास, इसको जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट। ठीक है, तो ये यहां से यहां जाएगा। ठीक, तो क्या हो रहा है, इसने चलना शुरू किया मार्कर ने, और ये क्या हुआ, ये यहां तक पहुंच गया। ठीक है, ए से बी के बीच में कोई पॉइंट है नहीं पे, ये यहां पर पहुंच गया, मान लीजिए इसे सी पॉइंट। ठीक, इस मार्कर ने सी तक पहुंचने के लिए समय लगाया 2 सेकंड का, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करी ए से सी के बीच में, मान लीजिए वो कर ली 5 मीटर की। ठीक है, ऐसे ही सेम जब ये सी पर पहुंच गया तो इसने सी से स्टार्ट किया चलना और ये कहीं यहां पहुंच गया डी पर। ठीक है, सी से डी पे जाने के लिए भी इसको कितना समय लगा, 2 सेकंड का समय लगा, और यहां से सी से डी तक जो डिस्टेंस इसने कवर कर ली, ठीक है, वो डिस्टेंस जो है कवर करी अगेन 5 मीटर की। ऐसे ही डी से बी तक पहुंचने के लिए भी इसको समय लगा 2 सेकंड का, ठीक, और डिस्टेंस अगेन कितनी, 5 मीटर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ध्यान से कि हो क्या रहा है। इस मार्कर ने ए से सी तक चला, 2 सेकंड समय दिया और कितने डिस्टेंस चल गया, 5 मीटर। ऐसे ही जब अगला इंटरवल आया तो कितने का आया, देखिए सी से डी तक के लिए 2 सेकंड का, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 5 मीटर का। ठीक है, ऐसे ही जब डी से गया बी पर तो फिर से 2 सेकंड लिया और समय चला, डिस्टेंस चला सॉरी 5 मीटर का। तो यहां क्या हो रहा है, देखिए हर एक इक्वल इंटरवल में, ठीक है, हर 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो यही हुआ डेफिनेशन का मतलब, कि अगर कोई भी बॉडी हर एक फिक्स टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, अब यहां पर हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ, क्या किस तरीके से हम लोग ग्राफ को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आया हमारे पास ग्राफ, कि ग्राफ जो बनाएंगे वो किस किस के बीच में बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम में। तो देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो किस किस चीज की बात करी थी मैंने, टाइम की और डिस्टेंस की, है ना। इसीलिए जो हम ग्राफ विड्रॉ करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, डिस्टेंस के और टाइम के, इसलिए इसे बोला जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हम जो इसका ग्राफ है वो मैं प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है। ठीक, इसी से ही मैं बनाऊंगा ग्राफ भी, इसी जो एग्जाम्पल मैंने दिया था इसी से मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, है ना। तो देखिए दो चीजों के बीच में ग्राफ हो रहा है, तो देखिए यहां मैं 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन 0, और यहां से मैं नंबर्स डालना शुरू कर देता हूं, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा जोर ले जा लेता हूं,
सिक्स, ठीक है। ऐसे ही मैं इस तरफ भी कर लेता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, ठीक है। अब कहीं पे भी कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं टाइम और यहां लिख देता हूं डिस्टेंस। ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां डिस्टेंस लिख दो, यहां पे टाइम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एकदम कि कैसे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब ये यहां पर था, मतलब जीरो पर था, टाइम भी जीरो था और डिस्टेंस भी जीरो था, ठीक है। तो पहला जब क्या है यहां पे देखिए, जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस भी कितनी है, जीरो है। मतलब कोऑर्डिनेट्स अगर इस पॉइंट के मानूंगा, ए पॉइंट के, ठीक है, तो ए पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट है तो टाइम भी जीरो है यहां पर और डिस्टेंस भी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, जीरो कॉमा जीरो इस ए पॉइंट के, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसा है कोऑर्डिनेट्स। फिर ऐसे ही देखिए जब आगे बढ़ा, कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, सी पॉइंट आ गया, ये सी पॉइंट पे। अब देखिए सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहां से आगे बढ़ा, टाइम कितना लिया देखिए, टू सेकेंड का, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, पांच मीटर, ठीक है। ये जो है पहला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या शो कर रहा है, टाइम को, और बाद वाला किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को, ठीक। ऐसे ही मैं डी का मान लेता हूं, ठीक। इस डी पॉइंट की अगर मैं मानूंगा तो देखिए पूरा यहां से कवर, यहां से नापिएगा टाइम को भी, तो देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में दो सेकंड लगे और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना सेकंड लगा, दो सेकंड, तो टोटल कितना हो गया ये, चार सेकंड, ठीक है। और यहां पर जो डिस्टेंस हो गई वो पूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक फाइव और यहां से यहां तक भी फाइव, मतलब फाइव और फाइव टेन, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूं तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो भी देखेंगे अगर मैं, कितना हो गया, तो टाइम देखिए टू यहां से यहां तक, टू यहां से यहां तक और टू यहां से यहां तक, तो टोटल टाइम हो गया कितना, सिक्स, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव फाइव और फाइव फिफ्टीन, ठीक है, फिफ्टीन। अब क्या है देखिए, मैंने प्लॉट करता हूं यहां पर ग्राफ पर, तो देखिए सबसे पहले कितना है, जीरो कॉमा जीरो। तो अगर मैं जीरो कॉमा जीरो को प्लॉट करूंगा तो इस जगह पे है जीरो कॉमा जीरो, तो यानी कि ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही अगला जो है वो कितना है, सी, कितना, टू कॉमा फाइव। तो ये जो मैंने बोला था फर्स्ट वाला टाइम है और ये दूसरा वाला डिस्टेंस, तो टाइम देखिए टू, कहां पर है टाइम, टू यहां पर इस जगह पर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है देखिए, फाइव, ठीक है। तो टाइम की तरफ जाएंगे हम टू पे और डिस्टेंस जाएंगे कहां पे, फाइव पे, तो यानी कि यहां कहीं ये हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट्स आया हमारा इस जगह पर, तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी, ठीक है। ऐसे ही आगे देखूंगा मैं, देखिए डी के लिए कितना है, फोर और टेन, तो ये टाइम था मैंने बोला था और ये हो गया डिस्टेंस। तो देखिए टाइम जो है वो कितना है, फोर, तो टाइम आ गया फोर यहां पर इस जगह पर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी हो गई, टेन, तो टेन आ गई कहीं यहां पर इस जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट हो गए फोर कॉमा। ऐसे ये बी वाला पॉइंट देखेंगे तो देखिए यहां पे कहीं आ गया सिक्स और ये फिफ्टीन कहीं यहां ऊपर चले जाएगा और इस जगह पे कहीं अगर देखेंगे तो, और ये इसको भी यहां से भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इन सबको मैं क्या कर लेता हूं, एक स्ट्रेट लाइन से मिला लेता हूं। तो अगर मैं इन्हें स्ट्रेट लाइन से मिला दूं, तो ये बन गया देखिए हमारा इसका ग्राफ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमसे पूछा जाता है तो वो एक इस तरीके की लाइन आती है, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो क्या होता है। तो ये रही देखिए यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन, ठीक है। तो पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या लिखी है उन्होंने। अ बॉडी सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ कि अगर कोई भी बॉडी, ठीक है,
अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूं और अच्छी तरह से। तो देखिए एग्जाम्पल जो है कि क्या है एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक, मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है जो इस ए पॉइंट पर है अभी। ठीक, इस बॉडी को क्या करना है, यहां बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, कोई भी बॉडी है ए पॉइंट पर और उसको बी पॉइंट पर जाना है। ठीक है, और अगर ये ए पॉइंट को से बी पॉइंट तक जाती है तो इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना है यहां से यहां तक का, ठीक है, मान लीजिए वो करना है 16 मीटर। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया कि कोई एक बॉडी है जो अभी ए पर है उसको बी पर जाना है और ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 16 मीटर। ठीक, अब क्या हुआ, उस बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया, चली, ये बीच में ए से बी के बीच में पॉइंट है कहीं पे भी, वहां पर पहुंच गई। ठीक है, इस पॉइंट को सी नाम दे देता हूं। ठीक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक चलने के लिए इसको जो टाइम लगा वो मान लीजिए 2 सेकंड लग गया। ठीक है, और इसने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर दी ए से सी तक वो मैं मान लेता हूं 4 मीटर कर दी। ठीक है, अब ऐसे ही ये सी से स्टार्ट किया इसने चलना और कहीं ये एक डी पॉइंट पर पहुंच गई, टाइम अगेन 2 सेकंड ही लगाया, लेकिन अब क्या हुआ, इसने थोड़ी सी स्पीड तेज कर दी अपनी। ठीक है, और स्पीड जब तेज कर दी तो अब क्या हुआ, ये मान लीजिए इसने यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया सी से डी के बीच में वो कर दिया 5 मीटर मान लीजिए। ठीक है, फिर ऐसे ही डी पर था, अभी डी से क्या हुआ, आगे की तरफ चला, कहां पे पहुंच गया, यहां पर कहीं बी पॉइंट पर पहुंच गया। अब ऐसे इसको 2 सेकंड लगा यहां पर चलने में भी। ठीक है, डी से बी चलने में भी 2 सेकंड लगा, लेकिन अब जो यहां से इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कर दिया 7 मीटर। ठीक है, और ये फाइनली कहां पर पहुंच गया, बी पॉइंट पर। अब आप देखेंगे तो यहां क्या हो रहा है कि ए से सी तक जाने में, सी से डी तक जाने में और डी से बी तक जाने में जो टाइम है वो तो क्या लग रहा है, देखिए सेम लग रहा है, ए से सी भी 2 सेकंड लगा, सी से डी भी 2 सेकंड लगा और डी से बी भी क्या लगा, 2 सेकंड लगा। तो यहां देखिए क्या है, टाइम जो है वो तो इक्वल है हर एक पॉइंट के बाद, लेकिन डिस्टेंस जो कर रहा है हर एक पॉइंट के बीच में, हर दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। जब ए से सी तक के बीच में गया, ठीक है, तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर। ऐसे ही जब सी से डी तक गया तो टाइम तो 2 सेकंड लगा लेकिन कितना, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऐसे ही जब डी से बी तक गया 2 सेकंड टाइम सेम है और डिस्टेंस चेंज हो गई। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी इस तरह का मोशन करती है कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को क्या कर रही है, कवर कर रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि वो बॉडी क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर इसका भी ग्राफ, जैसे हमने वहां पर यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, अब हम यहां के लिए देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। इसी एग्जांपल से मैं आपको ग्राफ भी बता देता हूं कि कैसा आपका ग्राफ बनेगा, है ना। अब वही जैसे वहां पर बात करी थी मैंने कि ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने, इस चीज में क्या दो चीजें आ रही है, डिस्टेंस आ रही है और टाइम आ रही है, तो इसको भी बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब जैसे वहां पर क्या था, सेम बिल्कुल यहां पर भी होगा। क्या किया मैंने, यहां पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। ठीक है, एक हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, बीच में यहां पर ओरिजिन, तो ये हो गया मेरा ओरिजिन। ठीक है, यहां पर क्या कर लेते हैं, टाइम ले लेते हैं और यहां हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक, नंबर लिखते हैं इनके ऊपर, ये हो गया 1, ठीक है, ऐसे इस तरह भी नंबर लिख लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए ध्यान से एकदम कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे जैसे वहां पे पॉइंट्स निकाले थे हमने, वैसे ही कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यहां पे भी, ठीक। यहां पे देखिए, तो अगर मैं ए पॉइंट के आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं इस जगह पर, है ना, तो क्या हो रहा है, यहां पर जीरो पे है, अभी टाइम भी जीरो और डिस्टेंस भी नहीं ट्रेवल करा, तो जीरो ही हो गया, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए जीरो जीरो, ठीक है। ऐसे ही बी पॉइंट सॉरी सी पॉइंट के निकालते हैं इस पॉइंट के, तो देखिए पहले मैंने बोला था कि हम टाइम लिखेंगे और बाद में डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो टाइम देखिए कितना लगा यहां से यहां तक चलने में, इसको 2 सेकंड, ठीक है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर दिया 4 मीटर, ठीक है। तो ये हो गए सी के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे डी के कोऑर्डिनेट्स में निकालूंगा, तो देखिए डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए टाइम मैंने बोला था जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहां जीरो से टाइम मेजर करते हैं, तो देखिए 2 सेकंड यहां से यहां पहुंचने में लगा और 2 सेकंड यहां, तो टोटल टाइम हो गया 4 सेकंड। और डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर लिए, देखिए 4 यहां पे और 5 यहां पे, तो 4 और 5 हो गई हमारी 9, ठीक। ऐसे ही मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बना लेता हूं, तो बी के बनाऊंगा तो देखिए 2, 2 और 2, 6, और यहां से मैं इसको ऐड कर लेता हूं तो कितना आएगा टोटल होके 16 आ जाएगा। इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, तो ए के करूंगा तो मैं 0, 0 पे, यहां पे ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट से नहीं, ठीक है। बी के करूंगा तो देखिए 2, 4 है, तो यहां पे आ गया 2 और यहां पे आ गया कहीं 4, तो यानी कि ये इस तरीके से कुछ, ये 2, 4 और ये कोऑर्डिनेट्स किसके हमारे सी पॉइंट के। डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे 4, 9, तो ये रहा देखिए 4 और 9 चले जाता है मेरा कहीं यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया डी और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4, 9। ऐसे बी के प्लॉट कर दूंगा तो देखिए 6, 16, तो 6 यहां पर है ना, और 16 कहीं और ऊपर चले जाएगा कहीं पर, जहां मान लीजिए इस जगह पर, अगर मैं इसे मिटाऊं यहां पर तो इस जगह पर कहीं चले जाएगा 16 मान लीजिए, ये इस जगह पर, तो यहां मैं मान लेता हूं बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 16, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इन जितने भी ये पॉइंट्स आए हैं इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं आपस में। तो मैं मिला देता हूं, देखिए कि किस तरीके से करके ये आ रहा है हमारा, तो ये लीजिए ये मिला लिया मैंने यहां पर, है ना। तो ये जब मिला है तो देखिए ये क्या हो रहा है, एक कर्व जैसा कुछ आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही है। यूनिफॉर्म में क्या हो रहा था, यही जो कर्व था ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी, ठीक है। तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, ग्राफ जो है वो कैसे ही बन सकता है। कई बार आपके बुक्स में ऐसा दिया होता है कि ये इस तरीके से है ग्राफ, है ना, अगर आप स्केल वाइज मिलाएंगे इसको इज्जत से बिल्कुल एकदम, तो ये ऐसा बनेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ये यही ग्राफ इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग है वो पैटर्न यहां पर कि किस तरीके से ग्राफ इसका प्लॉट होता है, है ना। बस एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के में, और कैसे भी कर्व आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब डिस्कस करते हैं इसका अगला टॉपिक, देखते हैं कि क्या है अगला टॉपिक। तो ये है आज के टॉपिक के नोट्स। अगर इन नोट्स में से आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।